क्योंकि थोड़ा पानी बोतल खत्म हो गया था पीछे से। भाई साहब मसला ये है कि टाइम हो रहा है 4:30 तो सुबह के, तो अभी मैंने यहाँ से जाना है राजौरी, ठीक है, फिर राजौरी से वापस जम्मू आना है, तो मैंने सोचा व्लॉग बना ही लेते हैं, पूरे रास्ते अकेला ही हूँ तो बोर हो जाऊँगा, तो बस आपके साथ तो ठीक रहेगा सब कुछ, है कि नहीं। तो वेलकम बैक टू दी चैनल, उम्मीद है आप सब सही होंगे। तो इसी उम्मीद को और आप सबकी दुआ को अपने हाथ लेते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और काफ़ी दिनों से साथ में मैंने इस चैनल पे वीडियो डाली भी नहीं थी, तो इस चैनल में बोल रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा चैनल है मेरे मतलब अपने इसी चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली थी व्लॉगिंग की, तो मरने की तादाद भी और था ये, तो उसको मरने की तादाद से बचाने के लिए हम अपने दवाइयाँ खाते हैं कि हम बच जाएँ, तो इसको व्लॉगिंग की दवाई देंगे आज, एक कि भाई चैनल वीडियो एक दे दें कि भाई चलता रहे थोड़ा सा, तो ठीक है। तो कपड़े चेंज करके फिर मिलते हैं आपको, है कि नहीं? चलो वैसे सुनसान है पूरा रास्ता, और देखा जाए तो ऑटो लेना चाहिए वैसे यहाँ से मेरे को, पर पहले चलते हैं थोड़ी देर फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर ऑटो मिल जाता तो दिक्कत क्या है कि नहीं, चलो ऑटो ढूंढते हैं पहले। और एक लगा तो है बस ऑटो में बंदा भी होना चाहिए, उम्मीद मेरे को बराबर है कि खाली ऑटो ही है, तो चलो उम्मीद पे दुनिया का ना क्या पता बंदा भी हो। वैसे जो उम्मीद थी वही हुआ, ऑटो वाला था नहीं यहाँ पे, खाली उसका ऑटो ही था, क्या करते हैं अपना सफर नामा अपना तैयार रखते हैं। वैसे सफरनामा पे मैंने एक रील बनाई थी तो इसके बाद पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन तो अगर अभी देखनी है तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो वो जाओ देखो, पसंद आती तो ताना। और क्या रास्ते का लुत्फ मैं भी उठाता हूँ और आप भी उठाओ। फाइनली ऑटो मिल गया, मसला ये है कि टेम्पो भी मिल गया, ऑटो ने भी यहाँ छोड़ दिया मेरे को, ठीक है, तो बस अब टेम्पो की सीटें फुल हों तो फिर चलते हैं। सीटें क्या 12 हैं तो 6 सवारियाँ आजकल बैठती हैं कोविड करके, 4 हैं 2 रहती हैं, अब 2 पता नहीं कब होंगी, फिर बता दूँ आधा घंटा हो गया वेट करते हो, आधा घंटा नहीं मजाक करो। तो टेम्पो को चलने में अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा बाहर से, मतलब जो नया बस स्टैंड बन रहा है सामने, रुको करता हूँ थोड़ा जूम में, ठहर जाओ, ये कुछ बाहर से ऐसा नज़र आता है। तो चलो फिर चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं आपको। तो मसला ये है कि मैं इस टाइम तक अभी सो गया हुआ था, तो बस ये अभी इस मोड़ पे ही मेरे को आंख खुली और ये दृश्य देखा मैंने।
यहाँ फोटोशूट चल रहा है लूँगा। और ये दुकान थे महालक्ष्मी वैष्णो ढाबा के साथ दुकान है, अच्छी बनाता है, क्या कहते हैं उसको, वो अच्छा बनाता है चाय, अच्छी बनाता है। और पूरे खाया मैंने, ये खा रहा हूँ भी फिलहाल, पर इससे कहीं गुना अच्छा वो बनाता है पनीर के पकौड़े। हाँ पनीर के पकौड़े और चटनी अच्छी बनाता है। और अभी हम नीचे आ गए हैं, मतलब जहाँ पे मतलब ऊपर देखी होगी धुंध देखी होगी ऊपर अपने, और ये हम पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है, इसको हम कहते हैं फामला ही कहते हैं। तो बाकी वैसे ये थी पीछे दुकान, ठीक है सही थी यार, पनीर पकौड़े और चाय अच्छी बनाता है। बस पहुंचे रजौरी, तो बस अभी घर चले हैं, कोई 3.5-4 घंटे लगे हैं बस, घर चल के मिलते हैं सर, ठीक है वहाँ रास्ते में भी। भाई साहब मसला ये है कि अब वापिस चले हैं तो क्योंकि थक गया था ना, आया नहाया दो यार रोटी रोटी खाई ठीक है, आराम से सोया, सो के उठा, अभी बज रहे हैं 2:30 तक निकलेंगे यहाँ से, है कि नहीं। तो ऐसे करता हूँ, आँखें छोटी जाती हैं मेरी, है ना, चलो तो 2:30 तक निकलेंगे ठीक है, तो मिलते हैं रास्ते में आपको वापस, तो कपड़े चेंज कर दे पहले ठीक है। बस अब 5-10 मिनट निकलते हैं ठीक है, तो 1-2 सेकंड में तुम्हें मिलते हैं। तो बस अभी यहाँ चलते हैं, ये मंदिर बड़ा प्यारा है यार, होली माता का मंदिर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बाकी पता नहीं, हाँ किसी को लगता है कि गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता। चले यहाँ से, जब रजौरी को अलविदा कह रहे हैं यहाँ से, तो बस चलते हैं, तो सामने मेरे ख्याल से मंदिर होली माता का ही है, अगर होली माता मंदिर नहीं है तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन पे ठीक है। तो कुछ ऐसी रोड है, रास्ते में आपको बाकी लुफ्त आते हैं ठीक है, चलो थोड़ा पानी बोतल ख़त्म हो गया था पीछे से, जहाँ पे वो ट्रैक्टर नहीं लगा हुआ वहाँ से भरा पानी, तो रुके थोड़ा पानी बोतल ख़त्म हो गया था पीछे से जहाँ तो व्यू कुछ ऐसा यहाँ से, और वहाँ पे लोग पानी भर रहे हैं बावली से, और छोटी सी रोड है ये, अब ठंडा पानी से अंदर होती है, ठंडा पानी से रोड अंदर होती है, तो बाया काला पड़ा और जोरी जा सकते, और अच्छी रोड है निशारा से, बेटर रोड है ये, तो बस थोड़ा पानी पीते हैं तो फिर चलते हैं रास्ते में। तो बस अभी कालीतार बटालियन के पास
पहुंचे हैं, मतलब यहाँ से सुंदरबनी ऊपर जाता है सुंदरबनी, और हमने यहाँ से आगे जाना है जम्मू वाली तरफ। तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ कहाँ पे, अभी हम पहुंचे छुआरा मोड़, थोड़ा लाते लुते सीधी करें ठीक है। तो बस छुआरा मोड़ से अब चले हैं, इसको छुआरा मोड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको ऊपर से देखोगे छुआरे की शेप में, इसलिए छुआरा मोड़ कहते हैं ठीक है। तो अब सीधा घर जाके मेरे ख्याल से मुलाकात होगी हमारी ठीक है। अब पता नहीं कितना व्लॉग बना कितना नहीं बना, वैसे तो एडिटिंग करने बैठूंगा तब देखूंगा, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलते हैं घर चल के मिलते हैं आराम से ठीक है। तो घर पहुँच गए ठीक है, नहा धो के फ्री हो गए, ऑयलिंग कर ली बालों को, भाई जूस जूटी होते हैं बाल टूटने लगे से ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।